हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुज़ैमी ज़ायका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लखनऊ की बहुत ही मशहूर मटन बिरयानी। इसे हम बनाएंगे इदरीस बिरयानी के स्टाइल में, तो देर नहीं करते हैं, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। इसमें हम डाल देंगे 1 kg के करीब मटन, जिसे मैंने पहले से ही धोकर साफ कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज, जिसे मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था। ये 4 मीडियम साइज की प्याज से तैयार हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon जीरा, 4 से 5 लौंग, दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 2 टुकड़े तेज पत्ता के, 6 से 7 हरी मिर्च। लेकिन अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक 2 teaspoon या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट मेरा होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 cup तेल, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। बिरयानी में थोड़ा ज्यादा तेल लगता है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। 1/2 cup पानी। अब इसे गैस पर रख देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे खुले में ही पकने देंगे। उसके बाद लिड लगा देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। कुकर में 2 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो में कर देंगे। फिर इसे 5 से 10 मिनट और पका लेंगे, जिससे मटन अच्छे से गल जाए। जब तक मटन पक रहा है, दूसरी तैयारी देखते हैं। ये मैंने 700 ग्राम बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने 1/2 घंटा पहले सोक किया था। अब इसको बॉयल करने की तैयारी करते हैं। एक बड़े पॉट में ज्यादा सा पानी ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, 1 नींबू का रस और ज्यादा सा नमक, क्योंकि चावल बॉयल होने के बाद जब हम इसे छानते हैं तो एक्स्ट्रा नमक उसी के साथ निकल जाता है। 1 बादियान का फूल, इससे चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 tablespoon तेल। सबसे पहले इस पानी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे, जिससे मसालों का अर्क पानी में आ जाए। पानी को बॉयल करने के लिए गैस की फ्लेम को हाई में ही रखेंगे। उसके बाद पानी में जो भी मसाले पड़े हुए हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अब इस पानी में सोक किए हुए चावल डाल देंगे और इन चावलों को 80% तक बॉयल कर लेंगे। सेला चावल के कंपैरिजन में बासमती चावल बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसे उबालने के वक्त बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर चावल आपका 2 कनी में रह गया है तो इसका मतलब है वो पक गया है। अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छानकर अलग रख देंगे। चलिए हम अपना मटन देखते हैं। 15 से 20 मिनट पकने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसको पहले हम चेक करते हैं। अगर मटन अभी तक गला नहीं है तो आप इसे और 5 मिनट तक पका सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। अब एक हम पॉट लेंगे, उसमें हम कुकर से मटन के पीसेस अलग कर लेंगे। मटन के पीसेस अलग करने के बाद इसमें सिर्फ मसाला बचेगा। उसके लिए हम दूसरा पॉट लेंगे, उसमें एक बड़ी छन्नी रख देंगे और इस ग्रेवी को हम अच्छे से इसमें छान लेंगे। मसाले को दबा दबा कर हम इसका अर्क पूरा निकाल लेंगे। इस तरीके से ग्रेवी के जो भी मोटे मोटे मसाले हैं वो अलग हो जाएंगे। लखनवी बिरयानी की यही खासियत है कि उसकी बिरयानी में कोई भी खड़े मसाले ना दिखें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि लखनऊ एक नवाबों का शहर है
और नवाबों में नज़ाकत तो होती ही है, तो बस वही फीलिंग हमारी लखनवी बिरयानी में भी है। अब ये जो मसाला जो हमने छाना था उससे हम तेल भी अलग कर लेंगे। इस बिरयानी में आपको मसाले तो नहीं दिखेंगे लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तेल अलग करने के बाद ये मसाले का जूस बस बचेगा, इसे भी हम एक साइड में रख देंगे। अब एक बड़ा पॉट लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 कप दूध, 1/2 टीस्पून हरी इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चीनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम को हाई में रखेंगे और एक बॉयल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी वाला मटन, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी वाला जूस जो हमने छान कर रखा हुआ है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में कर देंगे और इसे पकने देंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक तेल मसालों से अलग ना होने लगे। हाँ, लेकिन एकदम ड्राई नहीं करना है। बस ये परफेक्ट है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसके ऊपर से हम बॉईल किए हुए चावलों की लेयर लगा देंगे। लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर से जो तेल हमने अलग किया था उसे हम डाल देंगे। वैसे तो बिरयानी में ज्यादा तेल लगता है लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी तेल कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर से ऐड करेंगे दूध और रोज वाटर में भीगा हुआ जाफरान, जिसे मैंने पहले से ही सोख कर रखा हुआ था। अब इसे लीड से कवर कर देंगे, 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम करेंगे। फिर उसके बाद लो फ्लेम में इसे हम 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे जिससे इसमें अच्छे से दम लग जाए। 15 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए हम अपनी बिरयानी चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी खिली खिली बनी है, इसके चावल भी एकदम अलग अलग हैं। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। मेरे घर पर तो ये बिरयानी सभी को बहुत पसंद आई, तो एक बार आप भी मेरे बताए हुए मेथड से घर पर जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुहर्रम में बनने वाली बहुत ही स्पेशल हलीम की रेसिपी। इसे कहीं कहीं पर दलीम या खिचड़ा भी कहा जाता है लेकिन हमारे यहाँ इसे हलीम कहा जाता है। ये कई तरीके की दालों को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने दालें निकाली हैं जो इस तरीके से हैं। तो ये है चने की दाल, लाल मसूर की दाल, इन सभी की क्वांटिटी मैंने आधा आधा कप रखा है। धुली माश की दाल, अगर आपके पास छिलके की दाल है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है गेहूं का दलिया, ये है अरहर की दाल और साथ ही नॉर्मल से चावल, और आखिर में जौ का दलिया। दलिया यूज़ करने से ये जल्दी गल जाती है और हमें बनाने में देर भी नहीं लगती। जो साबुत जौ की गूदी होती है उसको पकाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब इन सभी दालों को हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आप चाहें तो और भी कुछ अनाज यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इन सभी दालों को हम 4 से 5 बार साफ पानी से धो लेंगे, इससे इनकी जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी।
धोने के बाद इसमें हम भरकर पानी रख देंगे और 2 घंटे तक इसे सोख होने देंगे। अब हम दूसरी तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा कुकर लिया हुआ है, उसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच भरकर सरसों का तेल, कुछ साबुत मसाले हैं जैसे दालचीनी के टुकड़े 1 टीस्पून, काली मिर्च, 4 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 3 तेज पत्ता, इन सभी को हम गर्म तेल में डाल देंगे। उसके बाद बारीक कटी हुई 4 मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे। इन प्याज को हमें फुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इन्हें फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मीट मेरा 1 kg है, उसी के अकॉर्डिंग ये इंग्रेडिएंट है। लहसुन अदरक के पेस्ट को बस 2 मिनट तक चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे धुला हुआ मीट। आप चाहें तो इसे मटन और चिकन किसी में भी बना सकते हैं, बनाने का तरीका सेम होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले जैसे 3 टेबल स्पून हल्दी, 3 और 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम मीट को इन्हीं सब मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही खुले में भून लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 और 3 कप पानी। पानी की क्वांटिटी ये ध्यान भी रखकर करनी है कि हमें मीट को गलने में कितना टाइम लगेगा। अब लिड लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। 4 से 5 सीटी के आने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर मीट अच्छे से गल गया है तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। साथ ही जो साबुत मसाले हमने डाले थे उसे हम निकाल कर बाहर कर देंगे। मैंने बोन वाला मीट यूज़ किया है तो इसमें जो भी बोन है एक्स्ट्रा उन्हें हम हटा देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही। इसे भी हम डालकर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जब हमें मीट से मसालों से अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मीट को साथ ही थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं सोख की हुई दालें। तो ये सब दालें अच्छे से सोख हो गई हैं, तो इसे भी हम पकाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा कुकर लेंगे। सारी दालों को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 लीटर के करीब पानी। पानी हमें ज़्यादा रखना है क्योंकि पकने के बाद ये दालें और भी फूल जाएंगी। अब हम इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 2 टीस्पून नमक, साथ ही 2 और 3 टेबल स्पून तेल। इससे दालें हमारी सीटी में बहेंगी नहीं। अब लीड लगाकर इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद लो फ्लेम पर इसे हम कम से कम 1 घंटे के लिए पकने देंगे। अब हम दूसरी तैयारी करते हैं। उसके लिए फ्राई पैन में हम तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब फ्राई कर रहे हों तो लास्ट टाइम पे बहुत ध्यान देने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम पे प्याज एकदम से जलने लगती है, तो इसे थोड़ा टाइम पहले ही निकाल कर एक टिश्यू में डाल देंगे। इससे ये काली नहीं पड़ती और बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसे भी एक साइड में रख देंगे और अब हम चेक करेंगे अपनी पकी हुई दालें। ये सब तो बहुत ही अच्छे से गल गई हैं, तो अब हम इसके अंदर जो साबुत मसाले पड़े हुए थे उन्हें हम हटा देंगे। अगर इसे हम खुले तौर पे बनाते तो ये बहुत टाइम लेता, लेकिन कुकर में ये जल्दी बन गया है। तो अब हम एक मथानी की हेल्प से इसे हम और भी मैश कर लेंगे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस 2 से 3 मिनट ही लगा और ये अच्छे से मैश हो गया। अब इन सभी को हम एक चौड़े मुँह के बर्तन में पलट लेंगे और साथ ही उसमें हम पका हुआ जो मीट है उसे भी सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें भी पानी डाल के जो भी बचा हुआ है उस सब को हम इसी में डाल देंगे। पहले तो जो भी साबुत मसाले हमें दिख रहे हैं उन्हें हम हटा देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि हमें इसमें कितनी अभी और पानी की ज़रूरत है। सारा मिक्स होने के बाद मुझे गाढ़ापन लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी और डाला है, क्योंकि अभी भी हम इसे 5 से 10 मिनट तक और पकाएंगे।
इसी वक्त हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 3 टेबल स्पून चाट मसाला, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्राई की हुई प्याज को भी हम थोड़ी गार्निशिंग के लिए और खाने के टाइम यूज़ करने के लिए बचा लेंगे, बाकी का सब हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इन सभी को पहले हम मिक्स करेंगे, फिर नमक को टेस्ट करेंगे, अगर कम है तो और ऐड कर देंगे, साथ ही हरी धनिया भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए हलीम में बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है, तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ इसका टेस्ट लीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। तो आप भी मेरे बताए हुए मेथड से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। चैनल में नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। हुज़ैमी ज़ायका को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।